हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज हम अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप वाइज। इसमें हम पहले एक टाइप के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और फिर इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स एक एक करके कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए टाइप वन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें दिया हुआ है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस ab, ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा हुआ है देन 3:5 प्लस 5:3 इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे जो स्टार है ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमें एक सिंबल दिया हुआ है, ओके। और बताया हुआ है कि a स्टार b जो एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वो ये है 2a माइनस 3b प्लस ab, ओके। तो आप देखिए, सबसे पहले 3:5 जो है इसमें यहाँ पे 3 जो है वो a दे रखा है हमें, और जो 5 है वो हमें b की वैल्यू दे रखी है, ओके। तो इसमें हम a को रिप्लेस कर देंगे 3 से और b को रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, प्लस ए बी 3:5 दैट इज़ 15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास इस एक्सप्रेशन का 6। वैसे ही नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है 5:3 5:3। तो इस एक्सप्रेशन में ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 5 थी, अब उल्टा हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो वही हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू ए यानी कि 5, माइनस 3 इंटू बी यानी कि 3, प्लस 3:5 15। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 प्लस 15, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16। यहाँ से हमारे पास 3:5 क्या निकला 6 और 5:3 क्या निकला 16। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, 3:5 प्लस 5:3 यानी कि इसका और इसका सम पूछा हुआ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 22, जो कि हमारा आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 22, ओके। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम टाइप, ठीक है। यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है और 8:2 की वैल्यू पूछी हुई है। पी यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया 8 और क्यू हो गया 2। अब 8:2 का मीनिंग इस एक्सप्रेशन में हमने पी को रिप्लेस कर देना है 8 से और क्यू को रिप्लेस कर देना है 2 से। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस पी कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, ओके। 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 14, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है टू नंबर्स x एंड y और सच दैट द सम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। x और y दो नंबर्स हैं हमारे पास, उसका जो सम है दैट इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस, करेक्ट यही बोला हुआ है उसने। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि x अपॉन y हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 2/1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या हमसे, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट, ओके। तो हम
इस एक्सप्रेशन में 3xy अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x और y के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 से और y को रिप्लेस कर देंगे 1 से. बस 2 प्लस 2 1 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1, राइट. 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, जो कि है हमारा सेकेंड ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू पूछी हुई है. ये रहा वो एक्सप्रेशन. और अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम इसका एलसीएम लेके एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उसका न्यूमिरेटर है फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है. इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम लेके, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, करेक्ट. नेक्स्ट क्या आएगा, x प्लस टू अपॉन x प्लस वन, नेक्स्ट x प्लस थ्री अपॉन x प्लस टू, और नेक्स्ट x प्लस फोर अपॉन x प्लस थ्री, ये आएगा. अब देखिए इसका न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कट रहा है, सेम हेयर सेम हेयर. तो बचा क्या, लास्ट टर्म का न्यूमिनेटर और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर. तो आंसर क्या होगा, x प्लस फोर अपॉन x. कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन. ये हमारा आंसर फोर्थ क्वेश्चन का. फिफ्थ क्वेश्चन है यूपीएससी टाइप का. a स्टार b इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b, राइट. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू है 2, ठीक है. पूछा क्या है 5 स्टार 2, ओके. तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, ए को रिप्लेस किया 5 से और बी को रिप्लेस किया 2 से, तो कितना हो गया ये 14. आंसर विच ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप 1 के कुछ और क्वेश्चंस के साथ. आज के क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.